सो हाई गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं अपने एक फ़ोटो के बारे में बताने वाला हूँ। एंड जो फ़ोटो है वो वाला ये वाला है, तो इसका मैं पूरा शूट से लेकर मतलब इसका मैं जो फोटोग्राफी मैंने किया हूँ उधर से लेकर मैं इसका पूरा एंडिंग तक बताने वाला हूँ आज इस वीडियो पर। तो जो इस फोटो है, इस फोटो को मैंने क्लिक किया था एक लोकेशन पर जो हमारा घर का पास पे ही है। तो फोटो क्लिक करते वक्त मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि चलो ना, क्यों जो कैमरा का लेंस का जो कैप होता है, कैप से उसने मुझे कैप दे के बोला कि इसको एक पकड़ के शूट करो। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्या कैमरा का जो लेंस है उसको लेके मैं हैंड से कुछ अच्छा से शूट करने लग गया और पोजेस कुछ अच्छा अच्छा करने लगे, जिसमें से मेरा इस फोटो पर अच्छा पोज आ गया क्लिक होके। तो मैंने इस फोटो को एडिटिंग किया है, एडिटिंग करने के बाद फोटो कुछ इस लुक पे आ गया है एंड फोटो बहुत अच्छा हुआ है। एंड बहुत कई लोगों ने मुझे बोला है फोटो बहुत अच्छा हुआ है, तो मैंने इसको डीपी पे भी लगा दिया है एंड अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे भी यही वाला जो डीपी मेरा लगा दिया मैंने। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने एडिटिंग कैसे किया। आप अगर नए हैं वीडियो पर तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो फोटो को क्या किया है, लाइटरूम एप्लीकेशन पर ओपन कर दिया है एंड अभी मैं इसका फर्स्ट जो है मैं इसका लाइट्स करेक्ट करने वाला हूँ। तो फिर ये रहा लाइट जो करेक्ट करने का ऑप्शन, आपको पहले लाइट्स पे जाना है एंड इसका जो एक्सपोजर है मैं इसको थोड़ा प्लस का साइड में कर लेता हूँ, प्लस मैं इसका थोड़ा कमा लेता हूँ, एटलीस्ट प्लस 40 रहने देना है, मैं ईवी में कर रहा हूँ एक्सपोजर। एंड इसका नेक्स्ट जो कंट्रास्ट है मैं इसको कंट्रास्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे फोटो में जो कंट्रास्ट है वो ठीक है, तो मैं इसको 1 में रखता हूँ। एंड नेक्स्ट हाईलाइट्स आपको मिलता है, हाईलाइट्स यानी कि जो मेरे फोटो पूरा फोटो में जो हाईलाइट्स दिख रहा है वो मैं थोड़ा कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको -30 अराउंड रख लेता हूँ एंड जो सेचुरेशन है उसका मैं पूरा माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सेचुरेशन फ़ोटो में शेडो, ठीक है, शेडो को मैं पूरा माइनस कर लेता हूँ। एंड जो मेरा वाइट्स है उसको मैं प्लस कर लेता हूँ क्योंकि वाइट मेरा बहुत कम है, तो इसको मैं +50 कर लेता हूँ। एंड जो ब्लैक्स है मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, मैं इसको ब्लैक्स को जो है इसको आपको माइनस कर लेना है, तो ब्लैक्स को मैं एटलीस्ट -46 कर लेता हूँ एंड डन। एंड मैं नेक्स्ट में जाऊँगा इसमें कलर्स का ऑप्शन पे, कलर्स ए वाला है होता है, ठीक है। तो इसका टिंट में पहले जाने के टाइम टेम्परेचर टिंट एंड विनीगर ऑप्शन 3 ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो जो टेम्परेचर है उसको मैं प्लस कर लेता हूँ 2 एंड जो टिंट है इसको मैं और थोड़ा सा कर लेता हूँ, फोटो में अच्छा आ रहा है। और वाइब्रेंस जो है मैं इसको 22 का आसपास पर रख रहा हूँ। तो फोटो देख सकते हैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ, बिफोर कैसा था एंड आफ्टर इसका देख सकते हैं। एंड अभी एडिटिंग बहुत सारा बाकी है एंड जो मेरा कलर करेक्ट था वो पूरा हो गया है। एंड मैं जाऊंगा इसके बाद में ऊपर आपको दिख रहा है मिक्सचर का टूल, ये वाला जो है, तो मिक्सचर टूल में जाना है आपको एंड इस पर मैं अभी इस पर ऑरेंज कलर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑरेंज कलर जो मेरा स्किन का कलर होता है इसमें मैं क्या करूँगा, ह्यू जो है इसको मैं +4 कर लेता हूँ एंड सेचुरेशन -2 कर लेता हूँ एंड लुमिनेंस को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे मेरा फेस जो है वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो लुमिनेंस मैं 10 रख रहा हूँ एंड नेक्स्ट इसका येलो में जा रहा हूँ, ठीक है, येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका ह्यू में चेंज नहीं करूँगा एंड इसका जो सेचुरेशन में वो चेंज करने वाला हूँ जो कि ग्रीन है या येलो है, जो उसको मैं थोड़ा सा मतलब देख लीजिए कौन सा कलर आ रहा है और कमाता हूँ 57 रख रहा हूँ एंड इसका लुमिनेंस भी मैं थोड़ा कमा लेता हूँ जिससे थोड़ा डार्क आ जाएगा, 28 लुमिनेंस कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट मैं ग्रीन कलर में जाना है एंड ग्रीन कलर पर जाकर मैं इसका जो ह्यू है ह्यू को मैं कमा लेता हूँ, ठीक है। तो ह्यू को मैं इसको एटलीस्ट मैं ला देता हूँ और कमाता हूँ 45 अराउंड रखता हूँ एंड जो इसका सेचुरेशन है सेचुरेशन को भी मैं कम करना पड़ेगा मुझे, तो सेचुरेशन को मैं और कमाता हूँ 61 में रख लेता हूँ, ठीक है, 61 कर लेता हूँ। एंड जो इसका लुमिनेंस है इसको भी थोड़ा कम करना है, तो लुमिनेंस को मैं देख लेता हूँ फोटो के हिसाब से 28 रख रहा हूँ इसका लुमिनेंस। एंड इसका लास्ट में मैं इसका ब्लू कलर पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट करके ब्लू कलर पे जाकर ह्यू को मैं
थोड़ा प्लस कर लेता हूँ 6 एंड जो सेचुरेशन है थोड़ा माइनस कर लेता हूँ। तो फोटो देख सकते हैं आप कैसा हुआ है कुछ इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट डन इसको करता हूँ मैं एंड इसका सब हो गया है। तो इसका मैं ग्रेडिंग करने वाला हूँ, जो ग्रेडिंग करने वाला हूँ इसको मैं एक अलग टोन पे रखने वाला हूँ, जो कि हुआ मेरा टोन है वो मैं इसको कुछ इसको मैं कुछ ऑरेंज टोन में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऑरेंज टोन पे ला कर देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं फोटो ऑरेंज टोन में कैसा लग रहा है बिफोर इसका देखिए एंड आफ्टर। तो टोन भी मेरा वो पूरा परफेक्टली मिल गया है एंड डन। एंड नेक्स्ट मैं इसका जाऊँगा एफेक्ट्स पर, एफेक्ट्स पे जाकर इसका टेक्स्चर्स कुछ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जिसपे मेरा फेस पे जो टेक्स्चर्स है वो क्लियरली आ जाएगा एंड क्लियरिटी इसका स्लाइटली 4 में कर लेता हूँ, जिससे क्लियरिटी एक फोटो पे मिल जाएगा मेरा। एंड डीएच को मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ एंड विनीगर को मैं स्लाइटली इतना कम कर लेना है। ठीक है आपको, तो आप देख सकते हैं एंड मिड पॉइंट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ एंड फेदर को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एटलीस्ट 61 एंड ऑल टोटल डन। तो आप फोटो देख सकते हैं कैसा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इस पर मैं बहुत अभी आपको फेस एडिटिंग भी अगर बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं फेस एडिटिंग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द से जल्द अपने चैनल पर ला दूंगा, तो इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कैसा हुआ आप कमेंट पर बता सकते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट हो एडिटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।